Yes, students, in our previous video we studied the chapter Albert Einstein at school at the page number 28. At this point I have an appointment for you for tomorrow morning. If I show you like that, yes, I have an appointment for you for tomorrow evening. You received. Here is the address. And he handed him over the address of the Dr. Ernest Weil. Dr. Ernest Weil, he is the specialist in nervous troubles. Asked Albert. Albert asked if he is an expert doctor, especially in nervous system or nervous problems. Not exactly. Yuri admitted. Yuri accepted it. Not exactly. He is not an expert. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. And the reality is he had just qualified as a doctor last week. So he is a new doctor, you may say. You may even be his first case. Or it is also possible that you may be the first case. The test case, we say, the first patient of a doctor is called test case. You know him as a student then. I have known Ernst for years. Yuri hesitated for a few moments. He's not a fool. He warned Albert. Now Yuri informed him. Yuri उसे बताता है कि Ernest Weil को सालों से जानता है और थोड़ा सा hesitate करता है ये कहते हुए. He is not a fool. कि doctor कोई बेवकूफ doctor नहीं है. He warned Albert. वो Albert को warn करता है. एक बार से अलर्ट करता है कि डोंट ट्राई टू मेक हिम अ फूल. व्हाट डू यू मीन डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज. एक idiom यूज किया गया है, मीनिंग होता है टू चीट समबडी और टू डिसीव समबडी, किसी को बेवकूफ बनाना, धोखा देना. दैट्स ऑल, बी फ्रैंक विद यू, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट. तो यहाँ पे यूरी उसे एक प्रकार से वॉर्न करता है, अलर्ट करता है कि आपको जो प्रॉब्लम नहीं है वो होने के लिए आप ना कहें, प्रिटेंड ना करें, आप झूठा दिखावा ना करें, फॉल्स शो ना करें आप. प्रिटेंड वर्ड होता है जिसे बोलते हैं फॉल्स शो. ये वर्ड है आपका प्रिटेंड, आप देख सकते हो स्क्रीन पे. प्रिटेंड मतलब फॉल्स शो, झूठा दिखावा करना. यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट, नॉट दैट यू डिसीव एनीवन. कि ऐसा भी नहीं कि आप किसी को डिसीव करेंगे. यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, और आप वर्ल्ड के सबसे खराब लायर्स में से हैं. लायर, यू कैन नॉट स्पीक और यू कैन टेल ए लायर, कि आप झूठ ही नहीं बोल सकते. एंड इफ यू ट्राई यू विल बी कॉट, तो आप पकड़े जाएंगे. तो आप सबसे खराब लॉयर, आप किसी को झूठ भी नहीं बोल सकते हैं. एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग वॉट टू टेल द डॉक्टर. वेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वर्ड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस. तो नेक्स्ट डे उसने इस वॉन्डरिंग में बिता दिया, इस एक प्रकार की वरी में बिता दिया कि व्हाट वुड ही से व्हेन ही वुड मीट द डॉक्टर. डॉक्टर से मिलेगा तो क्या कहेगा उससे. और जब अरे उसका अपॉइंटमेंट, जो फिक्स डेट और टाइम जिसे हम अपॉइंटमेंट बोलते हैं, वो जब टाइमिंग आई तो वो रियली नर्वस हो गया था, नर्वस दिखाई दे रहा था. नाउ यू मीट टर्न द पेज नंबर 29. आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल ही बिगन. And when he met Dr. Ernst Weil, he started describing his problem, but he couldn't. वो अपने problem को ही describe नहीं कर पाया. Don't try, said the young doctor with a friendly smile. और जो doctor है Ernst Weil, एक friendly smile की, friendly doctor है वो, friendly smile के साथ कहा कि don't try. You had already given me a history of the case. और you didn't mean case history. Case history means what is the problem, what are the treatments already given, like that. तो doctor जब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो टेस्ट हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, या जो टेस्ट आपने करवाए हैं, जो केस के बारे में, जो भी आपने ट्रीटमेंट्स लिए हैं उनके बारे में पूछते हैं, तो केस हिस्ट्री कहलाता है. डॉक्टर्स के लिए पेशेंट सिर्फ एक केस होता है. ओ व्हाट डिड ही से, ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन. कि बस यही कहा कि आप चाहते हैं मुझसे कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन, आइंस्टीन को नर्वस ब्रेकडाउन है. एंड सी दैट यू मस्ट गो बैक टू दैट स्कूल. और सिर्फ आप चाहते हैं मुझसे ये कहलाना कि आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए. ओ डियर एल्बर्ट्स फेस फेल, और एल्बर्ट का फेस फेल हो गया, डिजेक्टेड
कि आई एम गेटिंग सैड, ही फेल अपसेट, बड़ा दुखी हुआ, डिसअपॉइंटेड हुआ, एक प्रकार निराश हुआ. ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, कि यूरी को आपको ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए थी. वाई नॉट, इजंट इट यू देन, कि क्या ये बात सही नहीं है. येस दैट्स अ ट्रबल. नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, कि अब आप कहेंगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. रियली ही वॉज हैविंग नो प्रॉब्लम, उसे वास्तव में कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं. एंड ही मस्ट गो बैक टू स्कूल, और स्कूल वापस जाना चाहिए. डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आई एम प्रीटी श्योर यू आर इन नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, कि अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो आप बिल्कुल प्रीटी क्लोज, आप बहुत नज़दीक है नर्वस ब्रेक डाउन के. टेकिंग द स्कूल इन योर माइंड, स्कूल को लेकर के आप बड़े परेशान हैं. बट आई हैवन टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, तो यहाँ पे एलवर्ड कहता है कि मैंने तो आपको केस के बारे में कुछ भी बताया ही नहीं. से एलवर्ड वाइड आइड, तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा वाइड आइड. देखिए हमने इसको शॉक किया है, हाईलाइट किया है, वाइड आइड, सरप्राइज. तो बहुत सरप्राइज था, हैरान था. हाउ कैन यू नो दैट, कि आपको ये सब कैसे पता चला. बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस If you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. डॉक्टर कहे अगर आपको नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता, आपको कोई ट्रोमा, कोई आघात नहीं पहुंचा होता, तो आप मुझसे मिलने ही नहीं आते. तो वेरी सिंपल, दैट्स वाई, और यही कारण है कि मैं जानता हूँ. नाउ से द डॉक्टर ब्रिस्कली, इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि मान लीजिए वो ब्रिस्कली कहता है, क्विकली कहता है, ऐड करता है, फटाफट बोल देता है, कि अगर मैं सर्टिफाई कर दूँ, ये बिल्कुल वेरीफाई कर देता हूँ कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन है, एंड यू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए तुम्हें स्कूल से बाहर, यानी एयरपोर्ट स्कूल से बाहर रहना चाहिए, व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे स्कूल से बाहर रह करके. आई विल गो टू इटली, और एल्बर्ट यहाँ पे कहता है कि आई विल गो टू इटली, टू मिलान, वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं. मिलान, मिलान इज अ सिटी इन इटली, इटली में एक शहर है. वो जर्मनी में स्टडी कर रहा था, फादर इटली में रहते हैं उसके. एंड व्हाट विल यू डू देयर, आप वहाँ क्या करेंगे. आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, तो एल्बर्ट का इंटेंशन है कि वो किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेगा. हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा, और डॉक्टर पूछता है कि विदाउट डिप्लोमा हाउ कैन यू, बिना डिप्लोमा के ये कैसे पॉसिबल है. आई आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क. एल्बर्ट मैथमेटिक्स में अच्छा था, ही वॉज क्वाइट गुड इन मैथमेटिक्स, तो कहता मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से कहूँगा कि वो उसके बारे में कुछ रेफरेंस दे दे, लिख करके कुछ रिकमेंडेशंस कर दे मेरी, एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और शायद काफ़ी है ये एडमिशन लेने के लिए. आई हैव लर्न ऑल द मैथ्स द टीचर स्कूल एंड अ बिट मोर, ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल. तो जब एल्बर्ट बता रहा है वेल को, और वेल थोड़ा डाउटफुल लगता है उसके लर्निंग के बारे में, मैथमेटिक्स में एक्सपर्टाइज के बारे में, तो कहता है कि ए बिट मोर, कि थोड़ा सा और ज़्यादा मैथमेटिक्स में मैंने सीख लिया है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, उससे ज़्यादा. वेल इट्स अप टू यू, ही सेड, आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, और एल्बर्ट को इस बात का डाउट है कि कम ऑफ नहीं होगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा. बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर, अब क्योंकि आप यहाँ पे रुक के ना एल्बर्ट अपना भला कर रहा था, ना किसी और का कोई फायदा हो रहा था वहाँ पे. How long would you like me to say you should stay away from school? और यहाँ पर एल्बर्ट पूछता है कि कितना समय, हाउ मच ड्यूरेशन, कितनी होनी चाहिए कि आप स्कूल से बाहर रहें. वुड 6 months be all right? कि क्या 6 महीने काफ़ी रहेगा, सफिशियंट पीरियड है. दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, इट्स नथिंग, फीस के बारे में पूछा गया तो उसने कहा इट्स नथिंग, ये कुछ नहीं, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बींग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील. तो डॉक्टर कहता है कि मैंने भी एज ए स्टूडेंट अभी फिनिश किया है, तो आई नो हाउ यू फील, क्या आपकी फीलिंग क्या है स्कूल के प्रति. हियर यू आर डॉक्टर वेल, हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, तो डॉक्टर वेल उसे सर्टिफिकेट हैंड ओवर करते हैं, उसके हाथ में देते हैं, एंड द बेस्ट ऑफ लक, और उसे विश करते बेस्ट ऑफ लक कह करके. हाउ मच, यहाँ बात हाउ मच फीस, नथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इन्वाइट यूरी टू ए मील, और यहाँ पे कहा कि हाउ मच फीस के बारे में, और उसने कहा नथिंग, कुछ नहीं चाहिए. हाँ, अगर आपके पास कुछ स्पेयर करने के लिए, स्पेंड करने के लिए है, एक्स्ट्रा मनी है, तो आप यूरी को मील पर इनवाइट कर लीजिए, एक खाने के लिए बुला लीजिए. इट्स अ गुड, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड योर्स टू, तो यहाँ पे अच्छा फ्रेंड है यूरी है, वो डॉक्टर का भी अच्छा फ्रेंड है और
कहा गया कि योर्स टू, कि आपका भी वो अच्छा फ्रेंड है। आई थिंक एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, हालांकि एल्बर्ट के पास कोई पैसा नहीं स्पेयर करने के, स्पेंड करने के, बट ही प्रिटेंडेड, लेकिन वो प्रिटेंड करता है, फॉल्स शो करता है, झूठा दिखावा करता है। ही हैड मनी एंड टुक यूरी आउट टू सफर, और यूरी को सफर के लिए लेकर के जाता है। पेज नंबर नेक्स्ट 30, इजंट इट वंडरफुल ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एल्बर्ट यूरी को सर्टिफिकेट शो करता है और कहता है इजंट इट वंडरफुल, कि क्या ये वंडरफुल नहीं है, जबरदस्त बात नहीं है। यस इट्स फाइन, यूरी एग्रीड, और यूरी इस बात पर एक्सेप्ट होता है कि इट्स अ फाइन थिंग। सिक्स मंथ इज अ गुड पीरियड, जो टाइम है वो काफ़ी है, पीरियड काफ़ी है सिक्स मंथ का। जिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर स्कूल डिप्लोमा। तो यहाँ बात हुई कि टाइम पीरियड काफ़ी है, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, तो आप एक्चुअली स्कूल नहीं लीव कर रहे हैं, और वर्स कम टू द वर्स्ट, बुरे से बुरा कंडीशन अगर बहुत ख़राब होती है और आप स्कूल में वापस आना पड़े, तो अपना जो डिप्लोमा है वो आप कंटिन्यू कर पाएंगे। आई नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, और यहाँ पे एल्बर्ट कहता है कि मैं इस प्लेस पर कभी वापस नहीं जाऊँगा, तो मैं इस जगह पर कभी वापस नहीं जाऊँगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, और मैं इस सर्टिफिकेट लेकर हेड टीचर के पास जाने वाला हूँ टुमारो, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और ये स्कूल का एंड होगा मेरे लिए, यानी इसके बाद में मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, क्या मैथमेटिक्स से रेफरेंस लेना या मैथमेटिक्स के बारे में एक रिकमेंडेशन लेना ना भूलें। यूरी रिमाइंड, यूरी से रिमाइंड करवाता है, याद दिलाता है। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वॉन्टेड, और मिस्टर कोच ने जो रेफरेंस चाहिए था वो विलिंगली दे दिया, ये आप देख सकते हैं। मिस्टर कोच जो रेफरेंस चाहिए था वो विलिंगली अपनी इच्छा से दे दिया, कोई उसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी पड़ी। इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट ही आस्क। तो यहाँ बात है, कोच कहते हैं, मिस्टर कोच कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि आपने सब कुछ सीख लिया है या कुछ समय बाद आप मुझे पढ़ाने लायक हो जाएंगे, तो क्या इतना रेफरेंस काफ़ी रहेगा। दैट सेइंग टू मच सर, तो एल्बर्ट थोड़ा सा एम्बैरस फील करता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। इट्स ओनली द ट्रूथ, बट ऑल राइट, कि चलो ठीक है, रियलिटी यही है कि आप यहाँ मैथ्स में जो सीखाते हैं हम लोग सब सीख चुके हो। आई विल पुट इट मोर सीरियसली, कि चलो मैं आपको थोड़ा सीरियसली लिख देता हूँ, रिकमेंडेशन डाल देता हूँ। इट्स ओनली द ट्रूथ, ओके, इट वॉज स्टिल ए ग्लोविंग रेफरेंस, लेकिन अभी भी जो रेफरेंस है वो ग्लोविंग है। आप वर्ड देखिए, ग्लोविंग, ग्लोविंग मतलब प्रेज वर्दी, प्रशंसनीय। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमिजिएटली टू एंटर ए कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे मिस्टर कोच ने वो पॉइंट वहाँ पे रिटर्न किया, लिखा कि वो इमिजिएटली किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए रेडी था, ही वॉज गुड इनफ, काफ़ी अच्छा था। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, although you are wasting your time in my class, he said. वो कहता है मुझे बहुत दुख है, regret है कि आप हमारी क्लास छोड़कर जा रहे हैं, हालांकि आप हमारी क्लास में सिर्फ टाइम वेस्ट ही कर रहे थे अपना। It's almost the only class where I was not wasting my time, said Albert. Albert कहता है कि एक ही तो क्लास है मैथमेटिक्स की, जी हाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर। और यहाँ क्वेश्चन करता है टीचर से कि आपको कैसे पता कि आई वॉज गोइंग टू लीव, कि मैं स्कूल छोड़ने वाला हूँ। You wouldn't have asked me for this reference otherwise. क्योंकि अगर आप स्कूल नहीं छोड़ते तो आप ये रेफरेंस क्यों मांग रहे होते। टीचर्स नो मच मोर देन द स्टूडेंट, स्टूडेंट से ज़्यादा ही हम लोग जानते हैं, टीचर्स लोग जानते हैं क्या उनके अंदर फीलिंग चलती रहती है। तो यहाँ अल्बर्ट थोड़ा सा वंडर है, थोड़ा सा सरप्राइज है। दिस नथिंग वंडर अबाउट आइंस्टीन, और कहते हैं इसमें हैरान की कोई बात नहीं आइंस्टीन। हम इस लाइन को पढ़ रहे हैं, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट द लाइन। आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, कि हमें पहले पता था कि आपको पता चले कि आप स्कूल छोड़ने वाले हैं। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, ही वॉज टोटली कन्फ्यूज, वो पजल्ड था, कन्फ्यूज था। वट डिड द टीचर मीन,
टीचर क्या कहना चाहता है. ही सून फाउंड आउट बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर ही वाज समन टू द हेड रूम. तो इससे पहले कि वो हेड के रूम में जा पाता टू शो हिम द सर्टिफिकेट, ही वाज समन, ही वाज कॉल्ड फॉर, उसे बुला दिया गया वहाँ पे. वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट. और सोचता है चलो कुछ समय की ट्रबल बच गई, अदरवाइज ही हैड टू वेट, उसे वेट करना पड़ता आउटसाइड द ऑफिस ऑफ द हेड. ही हार्डली बॉदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर. अब वो सोचता है कि उसे सेंट फॉर, कॉल्ड क्यों किया गया, बुलाया क्यों गया, बॉदरेशन नहीं थी उसे, ज़्यादा परेशान नहीं था. ही वॉज नॉट इरिटेटेड, ही वॉज नॉट फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉज नॉट ट्रबल्ड, किस तरह की कोई परेशानी नहीं है. बट वेगली सपोज ही वॉज टू बी पनिश अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजिनेस. या एक वेगली उसे आइडिया, एक रफली आइडिया है, मान लीजिए थोड़ा हल्का से उसे आइडिया है स्लाइटली, कि उसे पनिश करने के लिए बुलाया गया हो या फिर उसकी लेजिनेस के लिए या उसके बैड वर्क के लिए उसे पनिश करना हो. वेल ही हैड फिनिश विद पनिशमेंट्स. तो अभी यहाँ जो स्टूडेंट है वो सोचता है कि पनिशमेंट्स खत्म, ही वॉज गोइंग टू लीव, स्कूल छोड़ने वाला है. और टीचर्स हैव नो लिमिटेशन, टीचर्स हैव नो राइट टू पनिश एनीवन हु हैज लेफ्ट और वॉज गोइंग टू लीव द स्कूल. तो हमारी लिमिटेशंस यहाँ पे ख़त्म होती हैं, हम स्टूडेंट्स को अपने राइट्स के अंदर ही पनिश कर सकते हैं, नॉट आउटसाइड द स्कूल. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू अल्बर्ट सरप्राइज. अल्बर्ट बड़ा सरप्राइज होता है जब हेड टीचर से कहता है कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करने वाला हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, योर वर्क इज टेरिबल, कि दो योर वर्क इज टेरिबल, एक्सट्रीमली फ्राइटफुल, बहुत ही खराब काम आप करते हैं, टेरिफिक आप काम करते हैं. द हेड टीचर सेड अल्बर्ट सरप्राइज, और अल्बर्ट बड़ा सरप्राइज होता है, यू वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, और मैं आपको स्कूल में ज़्यादा समय रख नहीं सकता. आइंस्टीन, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ. और कहता है कि आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, कि मैं चाहता हूँ कि आप स्कूल छोड़ें अभी. लीव स्कूल नाउ. और यहाँ एल्बर्ट रिपीट करता है, थोड़ा सा डेज्ड है, सरप्राइज्ड है, और कहता है कि स्कूल छोड़ दूँ क्यों. एल्बर्ट यहाँ फुली डेज्ड है, सरप्राइज्ड है, हैरान है, एक प्रकार से स्तब्ध रह गया, बहुत चक्कर रह गया. दैट इज़ व्हाट आई सेड, कि यस मैंने ऐसा ही कहा कि आप स्कूल छोड़ दें. यू मीन सेड एल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, कि आप कह रहे हैं कि मुझे एक्सपेल किया जा रहा है, आई वाज थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल फोर्सफुली, मुझे जोर से स्कूल से निकाला जा रहा है, रस्टिकेट किया जा रहा है, प्रकार से सस्पेंड किया जा रहा है, या हम कहेंगे टर्मिनेट, राइट वर्ड होगा टर्मिनेट किया जा रहा है. पेज नंबर 31. यस, यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश. और हेड टीचर कहता है कि अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, आप समझ सकते हैं. आइंस्टीन, द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड. हेड टीचर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा, ही वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स, वो शब्द नहीं मिंस कर रहा था, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट उसने यहाँ पे कह दिया है कि अगर आप चाहें तो ये भी समझ सकते हैं. द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड. सबसे अच्छी बात ये होगी अगर अपने अकॉर्ड, एग्रीमेंट से निकल जाते, आप अपनी मर्जी से चले जाएं और कोई परेशानी नहीं होगी. यहाँ पे अकॉर्ड की बात हो रही है कि अगर अपने अकॉर्ड से आप चले जाते तो कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट सेड अल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड. तो यहाँ एल्बर्ट कहता है कि व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, कि मैंने कौन सा क्राइम क्या किया. हालांकि वो स्कूल छोड़ के आने वाला था, और जब उसे एक्सपेल किया जाता तो वो क्वेश्चन करता है, कॉन्फिडेंट है कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है, मैंने कौन सा क्राइम कमिट किया है. योर प्रेजेंस इन द क्लास मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर अदर प्यूपल टू लर्न. तो जो बाकी प्यूपल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल है, और आप जिस भी क्लास में हो वहाँ टीचर को टीच करना बड़ा ही मुश्किल लगता है. यू रिफ्यूज़ टू लर्न, और आप लर्न करने से रिफ्यूज़ कर देते हो. यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, और आप कॉन्स्टेंटली रिबेलियन हैं, अपोज करते हैं आप एक बार से, टीचर जो भी करवाते हैं उसको अपोज करते हैं आप, एंड एक बार विद्रोह कर देते हैं. एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर हियर. और जब तक आप यहाँ पे हैं कुछ भी सीरियस काम क्लास में हो ही नहीं सकता. एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट. एल्बर्ट यहाँ फील करते हैं जो सर्टिफिकेट जिससे होकर के वो स्कूल को लीव करना चाहता था, अब वो ऑलमोस्ट यूजलेस हो चुकी है, एंड वॉज बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट.
बिकम यूजलेस। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड कि चलो ठीक है, मैं स्कूल वैसे छोड़ने वाला था, एल्बर्ट की फीलिंग्स हैं। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन द हेड सेड। फॉर ए मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन वट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। कुछ समय के लिए एल्बर्ट टेम्प्टेड फील करता है, अट्रैक्टेड फील करता है, ललचाता कहने के लिए कि वट ही थॉट अबाउट हिज स्कूल एंड हिम ऑल्सो, कि उसके बारे में, स्कूल के बारे में उसकी थॉट्स क्या हैं, ओपिनियंस क्या हैं। बट ही स्टॉप हिमसेल्फ विदाउट अनदर वर्ड, लेकिन उसने कोई वर्ड यूज नहीं किया। होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉक आउट, और बड़ी प्राउडली विद प्राइड ही केम आउट फ्रॉम द रूम होल्डिंग हिज हेड हाई, सर को बिल्कुल ऊंचा करके गर्व से। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, और हेड शाउट करता चिल्लाता है कि शट द डोर आफ्टर यू, कि आप जाएं तो दरवाजा बंद करके जाएं। एल्बर्ट इग्नोर्ड, और एल्बर्ट इसे टोटली इग्नोर कर देता है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर भी, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। उसने हेड टीचर की बात को इग्नोर किया, ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स नहीं रखता और टीचर्स और हेड्स के बारे में। आगे देखिए, ही वॉक स्ट्रेट ऑन, सीधा निकल गया आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट फाइव मिजरेबल ईयर्स। पाँच मिजरेबल ईयर्स की बात करें, जो पिटिंग वर्ड्स हैं हम कहेंगे बहुत ही टेरिबल ईयर्स उसने वहाँ पर स्पेंड किए हैं। देन इस हालात में वहाँ पर वो रहा है विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट ए लास्ट लुक, और उसने हेड को लास्ट लुक मुड़ के भी नहीं देखा, डिड नॉट इवन ग्लांस, यहाँ तक कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू, और ऐसा कोई फ्रेंड नहीं जिसे गुड बाय भी कहना चाहे बिफोर लिविंग। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर He left the town. He had come to hate almost as much as the school. यहाँ सिर्फ एक ही दोस्त है उसका यूरी, जिसे वो जाने से पहले विश करना चाहेगा, गुड बाय कहना चाहेगा। अदरवाइज ही केम टू हेट ऑलमोस्ट एवरी वन, हर व्यक्ति से वो हेट करता है, नफरत करता है वहाँ पर। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा जो कि कज़न है वो बैक इन बर्लिन, वापस बर्लिन चली गई है। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और कोई दोस्त नहीं है। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी वेन ही लेफ्ट, यूरी ने उसे विश किया, गुड बाय कहा, गुड लक कहा। यू आर गोइंग टू वंडरफुल कंट्री, आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पी देयर, यहाँ पे वो यूरी उसे विश करता है। दैट वॉज द चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डिस्कस समथिंग अदर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।